आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन से आपको बैलेंस करनी है फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन को। ये जो आपके सामने इक्वेशन है आपको इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। राइट, सो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। राइट, सो देखो, एक इक्वेशन आपकी बैलेंसिंग को तभी होती है जब वो आपकी फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। राइट, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहे हैं तो आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी। कहने का मतलब है कि आपके पास जो मास होना चाहिए, आपके पास रिएक्टेंट साइड पर जो स्पीशीज है उसका, वो आपका इक्वल होना चाहिए टू द मास ऑन द प्रोडक्ट साइड। राइट, तभी आपकी इक्वेशन जो होती है वो बैलेंस होती है। क्लियर? इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप नंबर ऑफ एटम्स सेम कर सकते हो ऑन बोथ द साइड्स। अगर आपके नंबर ऑफ एटम सेम हो जाते हैं ऑन बोथ द साइड्स तभी आपकी इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। फाइन, सो देखो अब आपके पास इक्वेशन क्या है, Al4C3 प्लस वाटर जो है वो आपको दे रहा है AlOH होल थ्राइस प्लस CH4। राइट, सो ये इक्वेशन है। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में करना चाहिए। सो आप देखोगे कि रिएक्टेंट साइड पर आपके पास एल्यूमिनियम के चार आइटम्स हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही है, सो यहाँ पर फोर लगा लीजिए। कार्बन के तीन और यहाँ पर सिर्फ एक है, सो यहाँ थ्री लगा लीजिए। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। आप देखोगे कि प्रोडक्ट साइड पर आपके पास हाइड्रोजन के कितने आइटम्स हैं, 24। राइट, और ऑक्सीजन की अगर मैं बात करती हूँ, सो ऑक्सीजन के हैं 12। सो मैं अगर यहाँ पर 12 लगा देती हूँ, सो अब आपके हाइड्रोजन के भी 24 हो गए और ऑक्सीजन के 12। राइट, सो अब आपके मतलब इक्वेशन बैलेंस है। सो ये आपका फाइनल आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।